कण कण में जो रमा है, बोली कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उठ की उपासनाई, उठ की उपासनाई, हर समय अपने आत्मा में रहता है और प्रेरणा देता रहता है। कुछ भी गलत काम करते हैं तो बाहुबली बोल परमात्मा रोकता है कि नहीं? ऐसा मत कर। किसी को मारते हैं, किसी की हिंसा करना चाहो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा चोरी करो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा झूठ बोलो तो अंदर से क्या आवाज आती है? झूठ। फिर गड़बड़ क्यों कर लेते हम लोग? जब परमात्मा की नहीं सुनते तब हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। माता के पथिक पुत्र को तू जानने न पाया, सब में है और सब कुछ किसका रूप है? भगवान। ऐसी बुद्धि आपकी हमेशा रहती है? बोले बाबा अभी तो है, अभी तो होगी। अब ये बुद्धि हमेशा रहे, ये बुद्धि कैसे रहे? हमेशा। इसके लिए फिर योग साधना करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, उपासना करते। नहीं तो हमारा ये जो बुद्धि है, ऐसा तो विचार है, ऐसा तो भाव है, ये टूट जाता है, इसलिए तो साधक बन गए। सब कुछ भगवान ही भगवान, इसलिए भगवान के लिए उससे बड़ा कौन लगता हूं? आदमी क्या करता है दुनिया में? तो आखिर कोई इमोशन के आधार पर ही जीता है। तो हमारा क्या इमोशनल स्टेटस क्या होता है? हमारा हमको सब कुछ परमात्मा ही करता है। हमने एक मेरे से बोले बाबा भैया शादी नहीं क्या भैया ऐसा हुआ? उन्होंने सब में भगवान ही भगवान नजर आने लगा। एक से शादी करते हैं जिसका मतलब कोई दूसरे से तो फिर शादी करता उसका ऐसा ही भगवान। तो हंसाते हैं
दाढ़ी भी है और खाते भी रुलाते नहीं है। अभी एक बच्चों का प्रोग्राम आता है जी की मैंने याद मुझे बुलाया तो बाबा बच्चों का प्रोग्राम है आप बच्चों का आके डांसिंग को मैं चला गया। फिर वो बोला बाबू आप इतनी बड़ी बड़ी योग की बात करते हो लोगों को ताकत है। मैंने कहा तेरा मतलब क्या योग में इतनी ताकत है तो हम उसे खुशी करके नहीं पाओ। तो फिर मैंने एक को पटकने लगा तो मैंने नहीं बाबू जी दो मुझे लड़ना पड़ेगा तुम आ जाओ योग करने वाले कोई कमजोर थोड़ी होता। योग करने वाला कमजोर योग करने वाला रोगी योग करने वाला रोगी योग करने वाला तनाव में योग करने वाला गरीब भी योग करने वाला किसी बुराई में योग ये योग का ये योग तो भगवान तो माँ बहन बेटी में भगवान जी की तो हमने आप सब माँ बहन बेटियों को भगवान का रूप मान लिया और आप सबको भी भगवान का ये भगवान जी का रूप भगवान का रूप आत्मा का कोई लिंग शरीर के भेद है ना आत्मा का कोई भेद फिर देव भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है ये सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों सारे सुंदर सुंदर पुरुष ये सारे सुंदर पूरी सारा सुंदर ब्रह्मांड ये सुंदर विशाल ये धरती ये सब कुछ भगवान के पास तो मेरे भगवान से कोई ज्यादा सुंदर मेरे भगवान से ज्यादा कोई धनवान आपके पास इतना ऐश्वर्य लेकर आप जमीन करो एक यदि एक इंच दस बीस सौ पचास हजार एक अठ दस लाख एक बढ़ एक कुछ भी एक लाख एक कुछ भी करवा देता तो बात तो एक कैसे इधर सारी मेरी है इधर मतलब रजिस्ट्री सारी मेरी भगवान मेरा मैं भगवान का और सारी मेरी सभी भूमि को पाल हम भगवान के भगवान के हमारे तो सब कुछ हमारे ही है इसीलिए रजिस्ट्री भी करवाई। सोना चांदी चीजें नहीं पहनता सोना चांदी के भगवान ने बनाया और मैंने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया था सारे आभूषण मैंने पहन लिए तो फिर बसाना चाहती हूँ मैं सुनी तो भगवान से ज्यादा कोई सुंदर भगवान से ज्यादा कोई सुखी भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान तो फिर कौन कहे तेरी महिमा Yeah.
यही भगवान है और तो ये ना समझा वो शैतान है। तो ऐसा नहीं समझता, फिर एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे के साथ धोखा करता है, एक दूसरे के साथ गद्दारी करता है, खुद भी दुखी रहता है, लोगों को भी दुखी रहता है। एक बार से बोले बाबा जी आप सब पर भौतिक भगवान है, योगी भोगे आतंकवादी न मारो। पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों पर गोली बरसाओ। मैंने कहा इसीलिए कहते हैं कि जो सब में भगवान मानता है वो इस धरती का इंसान है, वही धरती का भगवान है, वो उसको ही धरती लड़ने का अधिकार है। और जो सब में भगवान को नहीं मानता है, सिर को मारता है, फिर उसको भगवान के पास वापस भेज दो, मैं दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। आत्मा तो अजरमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम ग्रहति भाव, नै चैनम कलित्यन्ता पुनः शोषयति मारुतः। तो आत्मा तो अजरमर है। सुनो, ये तो बात बताई भगवान की, सब में कौन है? जब सब में भगवान देखोगे और सबकी इसी भाव से सेवा करोगे। मैंने बोला ज्ञानियों कर्मियों भक्तियों की भी बात करते हैं, तो ये बोल हो गया कि सब में एक ही भगवान है और सारे ज्ञान का, सारे शक्तियों का, सारे ऐश्वर्य का, सारे सुख का, सारे संबंधों का मूल परमात्मा। तो फिर करते तो के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करते हैं, ये कर्मियों का रूप कर्म हमारी भगवान की भक्ति पूजा करते हैं। ऐसा है, योग अकर्मण्य का नहीं है कि कुछ नहीं कर राम नाम जपना पराया माल अपना बाकी दुनिया झूठा सपना। ये योग अध्यात्म नहीं है। हाँ, योग अध्यात्म के नाम पर, वेदांत के नाम पर, पूजनों